Good morning, student. So, our last class we have completed the plants of planaria. Okay, so today we will discuss the two different groups of plants of planaria. First one is deciduous plant, second one is evergreen plants. But before start that one, we will discuss two major groups of plants. Okay, means if we classify all the plants which are present in our earth, okay, listen carefully. If we classify all the plants which are present in our earth, then mainly we will get two major groups. First one is terrestrial plants and second one is aquatic plants. Okay, now let us know what is terrestrial plant and what is aquatic plant. First one is plants. It is the definition of terrestrial plants. Plants that grow on land called terrestrial plants. Very simple. Okay. Plants that grow on land called terrestrial plants. जो प्लांट्स जमीन में ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट. सिंपली वी कैन से दैट लैंड प्लांट्स भी बोल सकते हो उसको. जो प्लांट्स लैंड में ग्रो करता है, जमीन में ग्रो करता है, उस प्लांट्स को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट्स. नाउ इट इज वी आर ईटिंग मैंगो फ्रूट, यस और नो? And naturally, the mango fruit comes from mango plants. Okay. Now, second group of plants, that is plants that grow in water called aquatic plant. It is very simple. Yes or no? Plants that grow in water called aquatic plants. Simple. जो पानी में जो plant grow करते हैं, उनको बोला जाता है aquatic plants. For example, lotus plant. देखे हो कि नहीं? आप जब भी कोई पॉन्ड जाओगे तो पॉन्ड में आप लोटस प्लांट को देखोगे. बहुत ही सुंदर होता है. दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट्स दैट इज लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल. ओके, नाउ कम टू द अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज प्लांट्स ऑफ प्लेन एरिया दैट इज डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप. प्लांट्स ऑफ प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है प्लांट्स ऑफ प्लेन एरिया. एंड द प्लांट्स ऑफ प्लेन एरिया डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. वंस अगेन रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट वन इज डिसिडियस प्लांट, सेकंड वन इज एवरग्रीन प्लांट्स. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस डिसिडियस प्लांट एंड अनदर वन इज एवरग्रीन प्लांट्स. ओके, okay, so student, let us discuss about two group, deciduous plant and another one is evergreen plants. So this is the definition of deciduous plants. The plants which regularly shed their leaves every year in dry season are called deciduous plant. Again, I am repeating that one. The plants which regularly shed their leaves every year in dry season are called deciduous plants. Okay, so according to this definition, आपका क्या होता है? कुछ प्लांट्स होते हैं प्लेन एरिया में, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपना लीफ को नीचे गिरा देते हैं जमीन में. मतलब सिंपल अगर बोले, अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, कुछ प्लांट्स हैं प्लेन एरिया में. प्लेन एरिया मतलब जैसे आपका गंगा एरिया हो गया. हम लोग इंडिया का जो गंगा एरिया, गंगा रिवर, बड़ा सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो बिगेस्ट रिवर ऑफ आवर इंडिया दैट इज गंगा रिवर. यस नो? द एरिया व्हिच इज फाउंड नियर द गंगा रिवर कॉल्ड एज प्लेन एरिया. गंगा एरिया के आसपास जितना भी लैंड है गंगा रिवर के आसपास, वो सभी प्लेन एरिया है. तो उस प्लेन एरिया में जो लीव्स प्लांट्स होते हैं
प्लांट्स होता है उनका पत्ता झड़ जाता है ड्राई सीजन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्राई सीजन, व्हाट इज ड्राई सीजन, ड्राई सीजन मतलब आपका बारिश से पहले। बारिश में क्या होता है, हमेशा पानी आते रहता है और क्लाइमेट क्या होता है बहुत ही खराब होता है, ड्राई नहीं होता है, हमेशा बारिश होता है, पानी रहता है चारों तरफ, ठीक है। बारिश के बाद जो सीजन आता है उसको बोलते हैं ड्राई सीजन। मतलब बारिश के बाद क्या आता है आपका विंटर आता है, तो विंटर में हमेशा क्या होता है आपका ड्राई रहता है क्लाइमेट, क्योंकि उस टाइम कोई बारिश नहीं है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं विंटर से पहले, मतलब विंटर आने से पहले ही क्या कर लेते हैं, उनका पत्ता झड़ जाता है, उनका जितना भी लीव्स है प्लांट्स वो क्या होता है नीचे गिर जाता है जमीन में। तो उस तरह का प्लांट्स को बोलते हैं डिसिडियस प्लांट्स, जिस प्लांट्स का लीव्स ड्राई सीजन में झड़ जाता है और जमीन में गिर जाता है उस प्लांट्स को बोला जाता है डिसिडियस प्लांट्स। इट्स वेरी इजी। ओके, फॉर एग्जांपल टीक, साल, शीशम, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ डिसिडियस प्लांट्स। ओके, नाउ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट इज एवरग्रीन प्लांट्स, एवरग्रीन प्लांट्स। ओके, सो लेट अस नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरग्रीन प्लांट्स। द प्लांट्स व्हिच डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। द प्लांट्स व्हिच डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। ओके, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिसिडियस प्लांट। इसका डिसिडियस प्लांट का ऑपोजिट प्लांट्स कौन सा है, एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन प्लांट्स का ऑपोजिट क्या है, डिसिडियस प्लांट्स। सो एवरग्रीन प्लांट्स किसको बोलते हैं आप देखते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स उसी को बोलते हैं जिस प्लांट्स का लीव्स कभी भी नहीं झड़ता है, कोई भी सीजन हो, वो ड्राई सीजन हो, रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, सालों का थमलों का ईयर में, एक ईयर में कितना है, तीन सीजन होता है मेनली, एक रेनी सीजन, दूसरा विंटर सीजन, तीसरा समर सीजन। तो तीनों सीजन में, कोई भी सीजन में इसका पत्ता नहीं झड़ता, नीचे नहीं गिरता है। अब ऐसा बात नहीं कि पत्ता क्यों नहीं झड़े, जो पत्ता ओल्ड हो गया है, कमजोर हो गया, तो नीचे गिरेगा ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द लीव्स, ज्यादा से ज्यादा लीव्स क्या होते हैं प्लांट्स में ही रहते हैं, प्लांट्स से नहीं नीचे गिरते। अब आप बोलोगे कि पत्ता नहीं झड़ेगा क्या, उसका ओल्ड हो गया तो नेचुरली झड़ जाएगा, या कोई पत्ता कमजोर हो गया है प्लांट्स का तो झड़ नीचे गिरेगा, झड़ जाएगा। लेकिन नेचुरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स, जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना लीव्स को नीचे नहीं गिराते हैं, उनका पत्ता नहीं झड़ता है कोई भी सीजन में, ज्यादा से ज्यादा उसका लीव्स, इसलिए उनका क्या होता है सभी लीव्स। और दूसरा और एक चीज होता है, वो अपना पत्ता को कोई भी सीजन में नहीं गिराता, दूसरा उनका पत्ता हमेशा ग्रीन कलर रहता है, उनका जो पत्ता रहता है हमेशा ग्रीन, रिमेन ग्रीन कलर। एवरग्रीन प्लांट्स किसको बोलते हैं, जिस प्लांट का पत्ता कोई भी सीजन में नहीं झड़ता है और हमेशा ग्रीन कलर रहता है लीव्स, जिसको अगर आप दूर से भी देखोगे तो उसका प्लांट्स पूरा ग्रीन, अगर लीव्स उसमें बहुत सारा है नहीं झड़ रहा है और हमेशा ग्रीन कलर दिख रहा है, नेचुरल प्लांट्स कैसे दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा। ये सब नो। सो व्हाट इज एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन प्लांट्स मींस इट इज ए काइंड ऑफ प्लांट्स व्हिच आर फाउंड इन प्लेन एरिया। ओके, एक टाइप का प्लांट्स है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो प्लेन एरिया मिलते हैं, और ये इनका पत्ता कभी भी कोई भी सीजन में नहीं झड़ता है और हमेशा ही ग्रीन कलर दिखते हैं। जो जिस प्लांट का पत्ता कभी भी नहीं झड़ता है कोई भी सीजन में और हमेशा वो ग्रीन कलर दिखते हैं उस प्लांट्स को बोला जाता है एवरग्रीन प्लांट्स। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल बनियन एंड गुलमोहर ट्री। ओके, सो दिस इज अबाउट डिसिडियस प्लांट्स एंड एवरग्रीन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, आपका लास्ट उस लास्ट वीडियो लास्ट लास्ट में मैं कुछ आपको क्या करूंगा, कुछ एग्जाम्पल भेज दूंगा, किसका, कुछ फोटो भेज दूंगा, टीक, साल, सीसम प्लांट्स का, और
बनियन और गुलमोहर प्लांट्स का फोटो भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लेना। ओके एंड रिमेम्बर स्टूडेंट, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। एंड इफ एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक देन कॉल मी और सेंड मी मैसेजेस।